शास्त्रों के अनुसार इंसान जन्म से ही तीन प्रकार के कर्ज लेकर पैदा होता है। पहला परमात्मा का, दूसरा साधु संतों का, तीसरा अपने पूर्वजों का। और यह तीन कर्ज एक इंसान को उतारने ही चाहिए। परमात्मा का कर्ज हवन यज्ञ शुद्धियों द्वारा उतारा जाता है और साधु संतों का कर्ज भजन कीर्तन सत्संग अच्छे विचारों का प्रचार करके उतारा जाता है। तीसरा कर्ज अपने पूर्वजों का कर्ज अच्छी नेक सद्बुद्धि और परोपकारी संतान पैदा करके वंश को बढ़ाने से उतारा जाता है, जो कई पीढ़ियों तक उनका अस्तित्व जिंदा रख सके। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनिया कपूर। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृ दोष, आखिर क्या होता है ये पितृ दोष और क्यों लगता है, इसके लक्षण क्या हैं। आज के मॉडर्न जमाने में कुंडलियों ज्योतिष विद्या को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग पितृ दोष जैसे दोषों पर ध्यान ही नहीं देते और वह अक्सर परेशान रहते हैं ये कहकर कि हमारी हर काम में दिक्कत आ रही है, हमारे हर काम रुक रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, आखिर क्या वजह है। तब पता चलता है कि कुंडली में पितृ दोष बन रहा है। इसका मतलब है कि क्या पूर्वज हमसे नाराज हैं या हमें कोस रहे हैं, इसलिए हमारे सभी कामों में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। पितरों का कोई श्राप लग रहा है क्या? शायद उनकी मृत्यु के बाद उनके कर्म कांडों को हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी के कर्म कांडों को सही से नहीं किया, इसीलिए शायद हम पर ये पितृ दोष दिखाई दे रहा है। जब ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन मन में आते हैं, पितृदोष जब लगता है तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखे गए हैं। परंतु पितृदोष कुंडली के किस भाव में लग रहा है और उस भाव से कौन सा घर आपका दोषित होता है और कौन से लक्षण आपके घर में पितृदोष के पाए जाते हैं, यह जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो वह आपको श्राप दे रहे हैं। पितृदोष का मतलब यह है कि आपके पूर्वज खुद शापित हैं। एक्सीडेंट, जलकर मर जाना, असमय आयु मृत्यु की वजह से आत्माएं अतृप्त रहती हैं और उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इन्हें अतृप्त आत्माएं कहा जाता है। जिस तरह से पूर्वजों के मरने के बाद जायदाद का एक हिस्सा बच्चों में बांट दिया जाता है, अपने ही माँ बाप के द्वारा उनकी जायदाद, उनका पैसा, प्रॉपर्टी, हर चीज़ में अपने बच्चों को हिस्सा मिलता है, उसी तरह से ये अतृप्त आत्माएं जो होती हैं, इनकी जो पीड़ा होती है, वह भी जायदाद के रूप में आपको उसका भी एक हिस्सा विरासत में दिया जाता है, जिसे आपको जायदाद की तरह स्वीकार करना ही पड़ता है। यह आत्माएं अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने शापित होने का संकेत अपने परिवारजनों को देती रहती हैं, जिसकी वजह से परिवार में बहुत से कलह क्लेश या फिर धन की हानि होती रहती है, ताकि अपनी उस चीज़ को सुधारने के लिए वह अपने पूर्वजों के मोक्ष के बारे में सोचें। आपके पूर्वजों के अच्छे और बुरे कर्मों का एक हिस्सा आप तक पहुंचाया जाता है, आप भी उसके भागीदारी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पिता देश की सेवा निस्वार्थ करते करते शहीद हो गए, बहुत मान सम्मान कमाया, तो लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे, आपको भी मान सम्मान देंगे और कहेंगे कि ये बहुत ही नेक दिल और निस्वार्थ सेवा करने वाले पिता का बेटा है, तो ये आपको विरासत में मिली इज्जत और मान सम्मान कहलाएगा। लेकिन अगर आप एक देशद्रोही के बेटे हैं, तब लोग आपको देशद्रोही का बेटा कहकर बेइज्जत करेंगे। लेकिन अगर देशद्रोही का बेटा अपने अच्छे कर्मों को करता है और साथ में अपने पिता पर से भी श्राप हटाने के लिए उनके नाम से अच्छे कर्म करता है, तो उसके पूर्वजों को भी शापित कर्ज से मुक्ति मिलती है।
यदि आपके पूर्वजों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म आपको अच्छे बुरे योगों के माध्यम से प्रभावित करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए भी अच्छे और बुरे कर्म उनको प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के जन्म के समय जब चंद्रमा जिस राशि में होता है तो वह उसकी जन्म की राशि कहलाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुंडली में पितृदोष कैसे देखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य और राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। आइए देखते हैं कि पहले भाव में पितृदोष को कैसे देखें। यदि पहले भाव में राहु स्थित है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनेगा। ऐसे मामलों में ज्यादातर देखा गया है कि जातक को अपने पिता की बीमारी पर बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है या फिर किसी कानूनी कार्रवाई में बेवजह ही फंस जाता है और बेहिसाब पैसा खर्च हो जाता है। जन्म कुंडली में पहला घर भौतिक शरीर, शक्ति, स्वास्थ्य, जीवन काल, व्यक्तित्व, स्वतंत्रता, धन, पेशों, कई अन्य चीजों पर राज करने का होता है। पहला भाव सबकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस भाव में पितृदोष लगने पर बहुत ही गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपका पैसा, मान सम्मान, रुतबा और स्वास्थ्य को बिल्कुल नष्ट कर देता है। अब अगर कुंडली के दूसरे भाव में पितृदोष हो तो क्या होता है। कुंडली का दूसरा भाव घर, परिवार, चेहरा, सुंदरता, पैसा, पारिवारिक परंपराएं, परिवार का इतिहास, बोलना, बातें करना, खाने पीने की आदतों को दर्शाता है। वह धन जिसे आप कमाने के बाद जरूरी या गैर जरूरी जगह खर्च देने के बाद भी कुछ बचा लेते हैं। धन, सोना और अन्य कीमती धातु या रत्नों जैसी संपत्तियों को दर्शाता है। जैसे कि आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके परिवार की परंपराएं और आपके बोलने का पैटर्न बिल्कुल आपके पूर्वजों जैसा होता है। इसी तरह धन या व्यापारिक पूंजी का एक हिस्सा हो सकता आपके पूर्वजों से आया हो। अब जैसे कि हमने देखा कि कुंडली का दूसरा भाव हमारी बचत या पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, तो यदि दूसरे भाव में पितृदोष लगा होगा तो आपकी धन राशि या पूर्वजों से मिली संपत्ति का नुकसान होता है। यहाँ पे इसके नष्ट होने के पूरे चांस होते हैं। आइए देखते हैं कुंडली का तीसरा भाव क्या कहता है। कुंडली के तीसरे भाव में अगर पितृदोष हो तो यह है तीसरा घर संचार, यात्रा, भाई बहन, मानसिक बुद्धिमता, आदतों, रुचियों और झुकाव को नियंत्रण करता है। यह घर आपके शुरुआती जीवन के माहौल जैसे कि भाई बहन, पड़ोसी, स्कूल लाइफ और यहाँ तक कि आपका दिमाग भी इससे संबंध रखता है। गपशप, बातचीत इस घर का हिस्सा है। अपने भाई बहनों के साथ साथ काम और पढ़ाई के दौरान निकट संबंध बनाने के लिए जाना जाता है। तीसरा भाव हमारे मानसिक झुकाव और याद करने की क्षमता को नियंत्रण करता है, जो हमारे छोटे भाई बहनों के लिए हमारे विचारों को दर्शाता है। जातक की कुंडली में तीसरे भाव में अगर पितृदोष है तो अधिकतर केस में देखा गया है कि जातक व्यापार या नौकरी बार बार बदलता है। स्थायी व्यापार या नौकरी ऐसे जातक के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जातक कोई भी एक पेशा नहीं चुन पाता। उसका मन बार बार कई नई चीजों की तरफ आकर्षित होता रहता है। ऐसे जातकों की अपने परिवार या मित्रों के साथ बहुत कम बनती है, खास तौर पर परिवार में भाई बहनों से नहीं बनती है, तो यह दोष संबंधों को खराब करता है। अब देखते हैं कुंडली का चौथा भाव। यह चौथा भाव आपके घर और परिवार का प्रतीक है। यह आपकी माँ के साथ आपके संबंध और घरेलू जीवन को प्रकट करता है, जो समय के साथ बदल जाते हैं। चौथा भाव आपके परिवार व संबंध के बारे में है, इसलिए यह घर आपके पूर्वजों, संपत्ति, भूमि, घर, वाहन से संबंध रखता है। सरल भाषा में कहें तो यह वह सब कुछ जो आपके मूल स्थान मतलब जन्म स्थान के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। पालन पोषण,
अचल संपत्ति के मामलों को भी दर्शाता है। अब यदि चौथे भाव में पितृ दोष हो तो उस जातक को घर परिवार संपत्ति का नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। उसकी अल्प आयु में ही माँ का देहांत हो सकता है। कुंडली का पांचवा भाव, यह भाव रचनात्मक घर रोमांस बच्चों से जुड़ा हुआ बताया गया है। यह उन खुशियों के बारे में है जो आपको अच्छा महसूस करवाती हैं और आनंद देती हैं। इसे भाग्य का घर भी माना जाता है। पंचम भाव में ग्रहों को देखने से पता चलेगा कि इंसान के भाग्य में हार है या जीत है। यह भाव आपके दिल के मामलों से जुड़ा हुआ है। कलात्मक प्रतिभाओं कल्पनाओं स्वाद संपत्ति व्यापारिक साझेदारी मनोरंजन खेल रोमांस को दर्शाता है। गर्भधान या गर्भ अवस्था को भी प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरे पांचवें नवमे और बारहवें भाव में बनने वाले पितृ दोष को बहुत बड़ा दोष माना जाता है। पांचवें भाव में दोष लगने से जातक को जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक तनाव की समस्या बनी रहती है और उसकी जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। कुंडली का छठा भाव, यह भाव हमारे स्वस्थ जीवन के वे सभी पहलू जैसे आहार पोषण व्यायाम और आत्म सुधार की खोज से यह भाव संबंध रखता है। यह भाव बीमारी और बीमारियों की वास्तविक स्थिति या उनसे उभरने का संकेत देता है। छठा भाव शत्रु कर्ज रोग नौकरी व्यापार से संबंध रखता है। जब छठे भाव में पितृ दोष लगता है तो जातक पर इसका इतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुंडली का सातवां भाव, यह भाव ज्योतिष में सातवें घर को साझेदारी का भाव माना जाता है। इस भाव में शादी विवाह से जुड़ी हर चीज का राज समाहित होता है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण एक साथी की इच्छा यौन कल्पनाएं जुनून संपत्ति और समझदारी को दर्शाता है। आपको अच्छी सोच समझ देता है कि आप किसी भी रिश्ते में क्यों हैं और किस तरह से लिप्त हैं। क्या यह प्यार पैसा व्यवहारिक कारण सामाजिक दबाव जीवन में शून्य को भरने के लिए है, यह सब बताता है। यह भाव संतान का भी संकेत देता है। सातवें घर में पितृ दोष बनने पर जातक को सबसे बड़ी परेशानी वैवाहिक जीवन में उठानी पड़ती है और अगर बाय चांस किसी वजह से वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल भी जाए तो वह संतान संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम का उसको सामना करना ही पड़ता है। कुंडली का आठवां भाव, आठवें को आमतौर पर स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है और मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस भाव को बहुत से संबंधों का घर भी माना जाता है। आठवां भाव अवसर समान स्तर और सेक्सुअल मृत्यु और पुनर्जन्म समानता और न्याय को दर्शाता है। नए रिश्तों के लिए असफल रिश्ते करियर में बदलाव यह हमारी असुरक्षा को ताकत में बदलता है। यह हमें अपने अंदर छुपे गहरे पहलुओं को देखने और जीवन का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। यह भाव नुकसान और चीजों को ध्यान से और गंभीरता से लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। इस भाव में पितृ दोष लगने पर बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता है। कुंडली में नवम भाव, यह भाव विश्वास ज्ञान और दिव्य पूजा का भाव है। यह एक शुभ घर है जो आपके पिछली लाइफ में किए गए कर्मों के परिणामों को वर्तमान जीवन में आपके भाग्य के रूप में दिखाता है। नवम घर अच्छे कार्य धर्म भाव पितृ भाव नैतिकता धार्मिक प्रवृत्ति आध्यात्मिक झुकाव उच्च शिक्षा को दर्शाता है। नवम भाव का स्वामी ग्रह बुद्धिमान बृहस्पति निर्धारित कानून कानूनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पर नियंत्रण करता है। नवम भाव में पितृ दोष लगने से जिंदगी नरक के समान हो जाती है और इन सभी चीजों की हानि होने लगती है। कुंडली का दसवां भाव, इस भाव में पितृ दोष लगने से आपके करियर में बाधाएं आने लगती हैं। आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। आपके दूसरों से संबंध बन सकते हैं। आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
कुंडली का 11वां भाव, कुंडली के 11वें भाव को लाभ का घर माना जाता है, हाउस ऑफ प्रॉफिट, वेल्थ और आनर के रूप में भी जाना जाता है, और इस तरह यह घर हमारे जीवन में होने वाले मुनाफों को दर्शाता है। यह घर हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने से अधिक समाज के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और सबके लाभ के प्रति हमारी रुचि दर्शाता है। यह घर मानव की भलाई के लिए हमारे सामूहिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में पितृ दोष बनने पर जातक का बहुत ज्यादा नुकसान या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। कुंडली का 12वां भाव, यह भाव हमारे अवचेतन और छिपे हुए स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह हानि, मुक्ति, अलगाव का, कमी का घर है। यह घर दुख, बर्बादी, खर्च, दैवीय ज्ञान, सहानुभूति, मोक्ष और मृत्यु के बाद के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये अंतिम घर है और मोक्ष के करीब है, इसलिए इससे बनने वाले पितृ दोष ज्यादा नुकसान नहीं देते हैं। कुंडली के किसी भाव में भी अगर पितृ दोष बन रहा हो तो हम कुछ छोटे छोटे उपाय करके उनका असर कम कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख और महसूस कर सकते हैं। जिसकी कुंडली में पितृ दोष बन रहे हैं वह जातक श्राद्ध पक्ष में रविवार यानी संडे के दिन यदि संभव हो तो शमशान में या फिर किसी ऐसी जगह पीपल का पेड़ लगाए जहां आप उसकी 1 साल तक सेवा कर सकें, या फिर किसी को पैसे देकर पीपल को नियमित जल देने की व्यवस्था कर दें। दूसरा उपाय, किसी भी शमशान या अन्य स्थान पर जहां पीपल का पेड़ लगा हो पहले ही एक बड़ा घड़ा लेकर उसमें पतली कील से छेद कर लें, उसमें मीठे पानी को भरकर उस वृक्ष की मजबूत टहनी पर इस तरह से टांग दें कि उसका पानी जब टपके तो उसकी जड़ पर भी पड़े और वहां पर जो चींटियां और मकोड़े हों उन पर भी पड़े। तीसरा उपाय, रोजाना पीपल के वृक्ष को जल देने की आदत बना लें और शनिवार को जल में कच्चा दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाएं। चौथा उपाय, भ्रकटी पर शुद्ध जल का टीका लगाएं। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तथा पितृ पक्ष में तर्पण तथा श्राद्ध करना, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को शाम के समय पानी का नारियल अपने ऊपर से वार कर बहते जल में प्रवाहित करने और अपने पूर्वजों से माफी मांगकर आशीर्वाद मांगे। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपनी स्वर्गीय परिजनों की फोटो लगाएं और रोजाना हार चढ़ाएं, इससे भी पितृ दोष में बहुत अच्छा प्रभाव आता है। प्रतिदिन कुल देवता व इष्ट देव की पूजा करने से भी पितृ दोष खत्म होता है। सोमवार प्रातःकाल में सुबह के समय नंगे पैर शिवलिंग शिव मंदिर में जाकर आंख के 21 फूल, कच्ची लस्सी, विल्व पत्र के साथ शिवजी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृ दोष खत्म होता है। और अगर हो सके तो किसी गरीब कन्या के विवाह में या फिर अगर उसको किसी तरह की कोई सहायता चाहिए, उसकी तबीयत खराब है, उसकी बीमारी में अगर आप उसकी सहायता करेंगे या उसके विवाह में को करवाने में आप उसकी सहायता करेंगे तब भी ये पितृ दोष खत्म होता है। आई होप कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। राधे राधे।